जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीज़े और वर्क परमिट के हवाले से आज की हमारी वीडियो है, जिसमें स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर के हवाले से भी कुछ चीज़ें आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। और ऐसे मेरे भाई जो कि अभी भी विजिट वीज़ा लेना चाहते हैं, उनको कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि फ्यूचर में ठीक है थोड़े से मोहतात रहें और अपने पैसे ज़ाया करने से बचाएं। तो शार्ट सी वीडियो होगी, इंशाल्लाह आप दोस्तों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। और दुबई में अगर आप जो ऑनलाइन जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका भी आप जो विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर जो है जॉब्स अपडेट होती रहती हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आप दोस्तों को इस तरह की मज़ीद नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले वर्क परमिट के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। बहुत से लोग जो है अभी भी ये क्वेश्चन करते हैं, जिनके पास ठीक है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होती है, क्या उनके वीज़े लग रहे हैं कि नहीं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की थी कि जिनके पास डिग्रीज़ हैं, एटलीस्ट बैचलर और मास्टर की डिग्रीज़ हैं और वो अटेस्टेड हैं, ठीक है, उनके वीज़ों में कोई इशू नहीं आ रहा है। अलबत्त जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है, हो सकता है वहाँ पर कोटा ना हो, वहाँ पर कोई इशू हो, इस टाइप का अगर इशू हो तो आपका वीज़ा हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। अदरवाइज़ आप लोगों के वीज़े लग रहे हैं। और जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उनकी भी कुछ अफवाहें अभी चल रही हैं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभी अनस्किल्ड वर्कर के वीज़े आसानी से लग रहे हैं, लेकिन अनस्किल्ड वर्कर के अभी तक मैंने जो है प्रॉपर वीज़े लगते हुए नहीं देखे। लेकिन जो इनके पास ऑलरेडी डिग्रीज़ हैं, उनका वीज़ा आसानी से लग रहा है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये हालात अच्छे होते नज़र आ रहे हैं। अभी बात करते हैं विजिट वीज़े के हवाले से। विजिट वीज़े भी पहले की नस्बत अभी ठीक है ज़्यादा लग रहे हैं, और काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि अभी ये जो वीज़े अगर आप जो है शारजा में, अबू धाबी या कहीं से भी अप्लाई करते हैं, आसानी से लग रहे हैं। लेकिन इसमें जो मैंने एक चीज़ आप दोस्तों के साथ जो शेयर करनी है वो ये है, अभी हाल ही मैंने एक वीडियो देखी थी YouTube पर, जिसमें बहुत से लोगों ने बताया कि उनके साथ जो है इस टाइप का स्कैम हुआ है कि जो एजेंट्स होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कि आप लोगों को ठीक है जो वीज़ा रिजेक्ट होता है उसका पेपर शो करवा देते हैं, ठीक है, वो ऑफिशियली पेपर जो आप जो है किसी भी सॉफ्टवेयर से अपडेट कर सकते हैं, जो PDF फाइल होती है वो भी अपडेट हो जाती है। आजकल बहुत से जो है ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो कि आपको इस तरह की चीज़ें भी अपडेट करके दे देते हैं, ठीक है, वो एज ए प्रूफ आपको सेंड कर देते हैं। पहली बात तो ये है कि आपने हर किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना है। अगर कोई बोलता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, तो आपने सिंपली बोलना है ठीक है हमें ऑनलाइन चेक करवा दें, उसका जो भी तरीका है, उसका जो भी फाइल नंबर वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें आप उनसे लें और बोलें कि किस तरीके से चेक करना है मुझे बताएं। आप वहाँ पर जाकर चेक करें, आपका जो भी वीज़े का स्टेटस होगा वो आपके सामने हो जाएगा। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हो सकता है कि उन्होंने आपका वीज़ा अप्लाई ना किया हो। अगर वीज़ा नहीं अप्लाई किया, कि जो 600-700 दिरहम होगा, कम से कम 700 दिरहम तो लग जाता है 2 मंथ के वीज़े के लिए, 700 से लेकर 800 दिरहम लग जाता है। हो सकता है उन्होंने अप्लाई ना किया हो और वो सारी की सारी अमाउंट वो उनके पास रहे। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर आपने ठीक है UAE में आकर एज ए वर्क परमिट ही लेना है, तो कोशिश करें कि थोड़ा वेट करें, इस तरह की कंपनी ढूंढें। अगर आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर आपको कोई इशू नहीं होने वाला। जो भाई ऑलरेडी UAE में है, एमरेट्स ID उनके पास थी, या वीज़ा कैंसिल हो चुका है, या वो नई कंपनी चेंज करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है, चाहे वो स्किल्ड है या फिर अनस्किल्ड है। बाकी इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि आप दोस्तों को जो थोड़ी गाइडलाइन दी जाए, ताकि आप दोस्तों को लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड, ये थी वीडियो विजिट वीज़े और वर्क परमिट के हवाले से जो मैंने अपडेट दी। होपफुली आप दोस्तों की काम आएगी। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ जो आपने पूछनी हो, रह गई हो, तो कॉमेंट सेक्शन में भी आप जो हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।